हिसार में आज क्लर्क की हड़ताल को पूरे 14 दिन हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि हड़ताल की वजह से हिसार में रोज 5 करोड़ का रेवेन्यू प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही अब मिनिस्ट्रियल यूनियन का साथ मिलने पर भी कर्मचारी जोश में हैं। यूनियन नेताओं ने कहा है कि शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत की उम्मीद है। अगर सकारात्मक रुख सरकार का रहा तो सही है, नहीं तो हड़ताल चलती रहेगी। हरियाणा में पिछले 14 दिनों से क्लर्क हड़ताल पर है। हड़ताल का असर अब तमाम विभागों में देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरुआती दिनों से ही तमाम विभाग प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब मोटे मोटे रेवेन्यू की बात कर ली जाए तो उस पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम कर्मचारी नारेबाजी करके एक बार फिर से अपनी आवाज़ को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार मोर्चेबंदी की गई है। साथ ही साथ इस टेंट की अगर व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए, जिस तरह से हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में कहीं ये धरना प्रभावित ना हो उसको लेकर जारी नेताओं की तरफ से किए गए हैं। रजिस्ट्रियों का काम भी आएगा, नीचे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का भी आएगा, लाइसेंस भी आ जाएगा, हुड्डा ऑफिस में भी है और नगर निगम में भी है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का है, वो भी काम रुके हुए हैं। बहुत से विभागों में है जो पब्लिक डीलिंग है वहाँ जो काम सारे रुके हुए हैं। हम तो उम्मीद यही करते हैं पॉजिटिव आए। क्या यादव साहब ने कहा है कि भाई शुक्रवार को, वीरवार शुक्रवार को बुलाएंगे, तो हो सकता है बुलाएं सरकार हमारे को भी और सुने हमारी, हम इसी आज के साथ हम बैठे हुए हैं। नोटिस वगैरह का तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितने प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे दर्द को दुख को समझ रहे हैं वो आज हमारे साथ हैं। दूसरा रही बात 14 दिन से काम हमारा सरकार ही प्रभावित कर रही है, हम प्रभावित करने के लिए तैयार नहीं है। हमने DC MLA MP सभी के माध्यम से नोटिस भेजा है, उसके बाद भी सरकार ने हमारे को एक कॉल तक नहीं की। बहुत से मास्टर डिग्री के और ऐसे कोर्सेज हैं जिनके फाइनल ईयर के रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं है, तो बच्चों को इससे काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। हम तो सरकार से यही करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें। हमारी धरना जो है ना अनिश्चितकालीन है, कलम तोड़ हड़ताल वो चलती रहेगी जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मांगेगी। ये किसी एक कर्मचारी का तो है ही नहीं, हर विभाग जितने विभाग हैं, अब तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो चंडीगढ़ का वो भी हमारे साथ धरने पे आ गया, चंडीगढ़ वाले भी आ गए, कलर्क वर्ग लिपि के वर्ग जितना भी है, लेकिन हमारे साथ असिस्टेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक के अधिकारी, गजटेड पोस्ट हमारे तक सुपरिटेंडेंट की, वो भी हमारे साथ धरने के ऊपर है। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन, वो सभी नंबरदार संगठन हो चाहे जो भी है, हमारे धरने पे आकर के हमारे को समर्थन दे के जा रहे हैं। तो गांव यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सभी जितने भी लिपि के कर्मचारी हैं सभी लगभग गांव और ग्रामीण से, किसानों से, बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं सभी के सभी, तो सभी का पूर्ण समर्थन है हमारे साथ में, पब्लिक का और गांव के जितने भी हैं। इसमें अब हमारे को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, किसान साथियों का भी हमारे साथ में साथ है। पूरे हरियाणा में तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद है और इस आंदोलन को आने वाले दिनों में और भी तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। कैंपसर राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।